आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आपके चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक से रिलेटेड जो है रीजनिंग के चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोग जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग यानी कि आपके जो सांकेतिक भाषा परीक्षण होता है, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न वो करने वाले हैं, जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके चैप्टर के जो है हमने थ्योरी भी आपके पहले करवा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे या सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं हम इसके थोड़े से थ्योरी को देख लेते हैं। तो इसमें थ्योरी जो है बस आपको जो है मैंने आपको इसका स्पेशल वीडियो एक बनाया है जिसमें हमने पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाया है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ आपको जो है इसमें ए से लेकर जेड तक की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको दिक्कत कहीं पर नहीं हो, समझ रहे हैं। ए से लेकर आपके जो है जेड तक की जानकारी है कि कौन सा नंबर जो है कितने पर आता है। साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर याद करने का ट्रिक एक मैंने बताया था, इजोटी इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इससे आप पकड़ लेते हैं तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि और ये अपोजिट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, अपोजिट यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी लोगों का। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस, आई का आर, जे का क्यू और के का पी और यहाँ पर एल का ओ और एम का एन, ये अपोजिट होता है। अपोजिट निकालने का और तरीका है कि जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसका मतलब जितना भी संख्या दिया रहे उसका नंबर में कि जितना दौड़ेंगे जोड़ेंगे ना वही अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया एल, अब एल मुझे मालूम है कि हमें कितना पड़ता है भाई, एल मुझे मालूम है कि जे के एल यानी कि 12 पर आता है, इसका अपोजिट हमें ढूंढना है तो बताएं कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है 100 माना चाहिए 27, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, 15 का मतलब कि ओ हो जाएगा इसका। देखिए एल का ओ है, एल का ओ, देखिए एल का ओ है ना, 15 यानी 27 और यहाँ 2, देखिए मतलब जिसका भी आपको अपोजिट वर्ड पूछे ना याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक है ये आपको मैं बता दूँ, जिसका भी अपोजिट वर्ड पूछे कुछ नहीं करना है आपको, जो है उसके जोड़ कर 27 पूरा देना है। मान ले कि कोई पूछ दिया आर का, आर कितना पर होता है, तो आर आपका होता है आर पी क्यू आर, या आर आपका 18 पर होता है, तो अब 18 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27, सॉरी 7 नहीं ना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 1, 1, 2, 27, 9, 9 कितना पर आता है, देखिए आई जे एच आई जे मतलब कि यहाँ पर आई हो जाएगा। देखिए तो आर का आई है, देखिए तो यहाँ पर टिक कीजिए, आर का आई दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आर कहीं पर दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा पी क्यू आर, आर यहाँ पर दिखा, आर का यहाँ पर आई दिख रहा है ना। देखिए एक तरीका है, जितना जिसका भी अपोजिट पूछे ना उसका आपको 27 किसी तरह पूरा देना है, जो भी संख्या पूछे। मान लें कि अगर 12 का पूछ लिया तो हम 15 जोड़े, अगर मान लें कि 20 का पूछता है यानी कि टी का पूछता तो क्या हो जाता है, 7 जोड़ते, 7 का मतलब कि एफ टी 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 मतलब 20 हो गया और 7 का मतलब क्या होता है ई एफ जी, तो यहाँ पर जी हो जाता, समझ गए, यह तरीका है। इतना तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। अब हम इसमें प्रश्न करने वाले हैं 15, क्योंकि इस पुस्तक में आपके 15 प्रश्न दिए हुए हैं और 15 टाइप के प्रश्न हैं, तो सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके क्लासेस बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको क्लासेस देना आइए 15-20 दिनों के अंतर्गत, ताकि आपके सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। मैं अकेला बंदा ऐसा हूँ जो सारे कुछ आपके लिए पूरा कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, समझ रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न बोल रहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 8 का जो है 318 लिखा के रूप में और चेयर को जो है आपका 24,156 के रूप में लिखा जाए, तो बताएं कि सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो अब ध्यानपूर्वक इसको बनाने का सॉल्यूशन देखने, देखिए एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा क्या है, ईट, ई ए टी लिखा है ना, इसका क्या लिखा है 318 लिखा है, एक मिनट वेट, यहाँ पर देखिए 318 लिखा है। फिर यहाँ पर चेयर का लिखा है, सी एच ए आई आर लिखिए, चेयर का कितना लिखा है 2, 4 और यहाँ पर 1, 5 और यहाँ पर 6, देखिए एक तरह का ये टाइप है, समझ गए, इस तरह का टाइप है कि दो चीज़ का जो है संख्या दिया हुआ है और यहाँ पूछा किसका है, टीचर का पूछा ना, टी ई ए सी एच ई आर, अब ये टीचर का पूछा है। तो अब हमें जो है यही जो ऊपर लिखा हुआ है ना
अल्फ़ाबेट, इसी का जो है देखना है, जो सेंटेंस मिलेगा उसका नंबर जो नीचे दिया हुआ है उसको उतार देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे टी, टी ढूंढिए कहाँ पर है, टी यहाँ पर, देखिए टी यहाँ पर है ना, तो टी, टी का मतलब कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, समझ गए। ई है तो ई का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 है, दोनों में मिलाना है। देखिए यहाँ पर ई कहीं है नहीं ना है, तो यहीं पर ई है, ई का मतलब 3। ए का मतलब बताइए, ए का मतलब यहाँ पर 1 दिया है ना, तो ए का मतलब 1 हो जाएगा। सी का मतलब, सी का मतलब यहाँ पर 2 दिया है, देखिए सी का मतलब 2। एच का मतलब 4, तो यहाँ पर 4। ई का मतलब कितना है, ई का मतलब यहाँ 3 दिया था, तो यहाँ पर 3। और आर का मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझ गए। 8 3 1 2 4 3 6, मिलाइए 8 3 1 2 4 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, एक टाइप का आपका प्रश्न क्लियर हो गया, कहीं पर दिक्कत हुआ तो बताइएगा, और वीडियो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर 2 नंबर, ये दूसरा टाइप है। जेड का मतलब क्या होता है, 26 होता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि जेड का अर्थ क्या होता है, 26 नंबर पर आता है, ए टू जेड में 26 अक्षर होते हैं। फिर यहाँ पर नेट का 39, यानी कैसे हो गया, देखिए एन ई टी लिखा है, एन का मतलब आपका 14 होता है, ई का मतलब 5 होता है, टी का मतलब 20 होता है, जब इसको जोड़िएगा ना तो कितना हो गया, 20 10 20 10 30 30 34, और 34 में 5 जोड़ा गया तो 39 हो गया, हो गया ना 39। फिर यहाँ पर नॉट का पूछा है, एन यू टी, तो एन का मतलब आपका 14 होता है, प्लस यू का मतलब टी यू, यू का मतलब 21, और यहाँ पर टी का मतलब 20। देखिए मुझे याद है तो मैं कितना जल्दी लिख दे रहा हूँ, मैं कोई देख कर थोड़ी लिख रहा हूँ, मुझे याद है तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ जोड़िए 20 और 21 कितना हो गया, 41, और 41 में 14 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 1 55, यानी कि आपका इसका जोड़ने पर हो जाएगा 55, समझ गए, इसका 55 हो जाएगा। नॉट का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 55 हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी नंबर, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, समझ में आ गया। ये कुछ नहीं था, बस यहाँ पर जो नंबर दिया था उसका संख्या को जोड़ दिया गया है, आपका आंसर यहाँ पर चला आया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़रूर क्वेश्चन को लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पर बोल रहा है कि पेंटर, पेंटर को एन सी जी पी आर जी लिखा जाता है, समझ गए, पेंटर को। अभी हम थोड़ा इसको रब करते हैं नीचे से, थोड़ा सा इसको रब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन 4 को रब करता हूँ, फिर हम जो है इसी के नीचे आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको जो है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन ये आपका एक तीसरा टाइप है, 2 टाइप हो गए, अब हम तीसरे टाइप के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए तीसरा टाइप को देखिए, यहाँ पर 3 नंबर टाइप है, 3 प्रश्न यानी तीसरा टाइप। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेंटर को एन सी जी पी आर जी पी लिखा जाता है, और रीजन को लिखा जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे पेंटर, पी ए आई एन टी ई आर। अब यहाँ देखिए पेंटर को क्या लिखा गया है, एन, फिर यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर जी, समझ गए, एन के जगह क्या लिखा गया है, पी लिखा है, आई टी के जगह आर लिखा गया, और ई के जगह जी लिखा गया, आर का जगह पी लिखा गया। अब देखिए, अब इसको बनाने का तरीका जो है दूसरा एक ही है, वो क्या है, तरीका तो 2 है लेकिन हम एक ही तरीका आपको बताएंगे जो बेहतर तरीका है। आपको जो है इसका अगर नंबर याद होगा ना, तुरंत बना लीजिएगा, 8 से लेकर Z तक आपको रटना पड़ेगा, अगर इसके सवाल बनाने हैं तो आपको A से लेकर Z तक याद होना जरूरी है। याद करने का तरीका भी है, ईजोटी मैंने आपको बताया था, EJOITY, इसको ईजोटी, E का मतलब 5, J का मतलब 10, O का मतलब 15, T का मतलब आपका 20, और Y का मतलब 25, इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि P है, P का मतलब क्या हो गया, O के बाद P आता है, यानी कि 16 नंबर है, ये कितना नंबर है, देखिए इसको नंबरिंग हम कर देते हैं उसके बाद बताते हैं, ये हमारा 16 नंबर हो गया। A का मतलब कितना होता है, 1 नंबर, I कितना होता है, 9 होता है, N का मतलब 14 होता है, T का मतलब 20 होता है, E का मतलब 5 होता है, R का मतलब 18 होता है। देखिए याद रहेगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना याद हो जाएगा। तो A से लेकर Z तक आपको याद होना चाहिए, मुझबानी जो पूछे वो, समझ गए, तो जल्दी पकड़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर N का मतलब क्या है, देखिए N का मतलब 14, C का मतलब 3, G का मतलब आपका कितना हो गया यहाँ पर 7, और P का मतलब आपका OP यानी कि 16। फिर यहाँ पर R है तो R का मतलब आपका 18, G है तो आपका 7 हो गया, और P है यहाँ पर तो P का मतलब यहाँ पर 16, यही तरीका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 16 है और फिर यहाँ पर 14 है, 16 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 14, यानी कि -2 किया जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 आ जा रहा है, यानी कि इसमें +2 किया जा रहा है। फिर यहाँ पर आई है, आई का मतलब 9, 9 के बाद सीधे 7 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर -2 किया जा रहा है। फिर यहाँ पर एन के बाद यहाँ पर पी आ रहा है, यानी कि 16 आ जा रहा है, 14 के बाद 16 यानी कि +2 किया जा रहा है। फिर टी 20 के बाद जो है 18 आ रहा है, यानी -2 किया जा रहा है। ई के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, 7, यानी कि ई का मतलब 5 और जी का मतलब 7, यानी +2 किया जा रहा है। और यहाँ पर R का मतलब 18, P का मतलब 16, यानी कि -2 किया जा रहा है। यानी कि यह सीरीज क्या है, -2 +2 -2
प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू, ये हमारा क्या है, सीरीज है। समझ गए, दो दो चार दो छः एक सात, दो दो चार दो छः एक सात, ये हमारा सीरीज है। यानी कि एक एक में माइनस दो किया जा रहा है, दूसरा में प्लस दो किया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम बनाएंगे इसका, किसका, यहाँ पर देखिए किसका पूछा है, रीजन का ना, आर ए एस ओ एन। अब इसका नंबरिंग लिख लीजिए, तुरंत बन जाएगा रीजन एन का 18, ई का मतलब 5, ए का मतलब एक आपका होता है, एस का मतलब टी, एस का मतलब टी मतलब कि 19, ओ का मतलब आपका 15, एन का मतलब आपका 14, ये हो गया। अब इसको बनाना है तो बनाइए भाई, इसको दो घटाइए, पहले माइनस टू करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस टू करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस टू करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस टू करेंगे, माइनस टू करेंगे, और यहाँ पर आपका प्लस टू करेंगे, दो दो चार दो छः, तो यही तरीका लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 18 में माइनस दो किए तो 16, 16 का मतलब क्या होता है आपका ओ पी, यानी कि पी आ जाएगा, समझ गए ना, पी एन आएगा 16 के बाद, यहाँ पर क्या आएगा पी आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 का मतलब क्या होता है जी। फिर यहाँ पर 1 है, 1 में 2 माइनस 2 घटाएंगे तो 1 में 2 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर जेड आपका आना चाहिए, जेड और वाई, तो ठीक है वाई हो जाएगा। अब इसको भी हम तरीका बताएंगे सर, यहाँ पर आप बोलिएगा कि आपने जो है यहाँ पर ए में से 2 घटा दिया तो वाई कैसे लिख दिया, वो हम बताएंगे अभी, टेंशन नहीं लीजिएगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। एस का मतलब क्या होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, यानी टी के बाद यहाँ पर यू, यू का मतलब आपका यूए हो जाएगा ना, यहाँ पर यू, समझ गए यू। फिर यहाँ पर है आपका ओ, ओ में माइनस 2 करेंगे तो 13, 13 का मतलब एम होता है, समझ गए। एन का मतलब 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 का मतलब पी होता है, पी होता है, ये हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जी, देखिए पी जी वाई यू एम, यहाँ पर पी, ये पी है, समझ गए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मिलाइए कहाँ पर मिल रहा है, देखिए तो पी जी, पी जी वाई यू एम पी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ 3, देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। अब यहाँ पर पूछा है कि सर एक में से, अब यहाँ पर एक आपका मन में डाउट हो गया होगा कि सर यहाँ पर ए में से माइनस दो किए हैं तो वाई कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि ए से लेकर कितना होता है, ए से लेकर आपके जो है जेड तक ही होता है ना, और जब ए के माइनस दो करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, अब जेड एक ए टू जेड हो गया तो फिर ए से स्टार्ट होता है ना, तो मान लीजिए देखिए अब इसको समझ लीजिए, समझा ही देता हूँ बच्चा के तरीके आगे। देखिए यहाँ पर ए से जेड हो गया, फिर हम लोग ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर था, ये ए था, और इसमें से दो घटा, यानी कि जेड घटा और वाई घटा, मतलब क्या घटा आपका यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो ए एक और दो घटा तो यहाँ पर वाई ना होगा, वाई हो जाएगा, तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक हो गया, समझ गए, वाई होगा, ए और जेड घट गया तो वाई ना बचा यहाँ पर, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, समझ गए। 3 प्रश्न क्लियर हुआ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है सिस्टर को जो है आर एच आर एस डी क्यू लिखा जाता है, उसी में जो है अंकल को क्या लिखा जाएगा, तो वही प्रश्न टाइप का आ गया। चलिए इसको भी देखिए, सिस्टर एस आई एस टी ई आर, अब सिस्टर को क्या लिखा जा रहा है इसको हम देख लेते हैं। इस तरह से करके करने का मतलब है कि आपको समझाना है, नहीं तो मैं एक मिनट में बता दूंगा, समझ गए। यहाँ पर R हो जाएगा, H हो गया, यहाँ पर क्या है R है, फिर यहाँ पर S है, फिर यहाँ पर D है, फिर यहाँ पर Q है, तो अब यहाँ पर समझने का फेर है कि यहाँ पर किया क्या गया है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देखिएगा S का मतलब क्या होता है, S का मतलब आपका 19 होता है, I का मतलब आपका 9 होता है, S का मतलब आपका 19 होता है, T का मतलब आपका 20 होता है, E का मतलब आपका 5 होता है, R का मतलब आपका 18 होता है। ये तो मैंने ऊपर आपका सबका नंबरिंग लिख दिया है, अब नीचे लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का मतलब 18, S का मतलब आपका कितना हो जाएगा 8, R का मतलब आपका 18, S का मतलब आपका 19, और फिर यहाँ पर D का मतलब 4 और Q का मतलब आपका 17, PQ, समझ गए 17। तो अब यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि यहाँ पर 19 में से यहाँ पर 18 हो गया, 9 के बाद यहाँ पर 8 हो गया, 19 के बाद यहाँ 18 हो गया, 20 के बाद यहाँ 19 हो गया, 5 के बाद यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 18 के बाद 17 हो गया, यानी कि माइनस 1 जो है सब में किया गया है, क्या किया गया है माइनस 1 जो है सब में किया गया है, समझ गए, सब में माइनस 1 किया गया है। एस के पहले क्या आता है तो आर आता है, आई के पहले क्या आता है एच आता है, एस के पहले क्या आता है आर आता है, टी के पहले क्या आता है एस आता है, ई के पहले क्या आता है डी आता है, आर के पहले क्या आता है क्यू आता है, यानी कि सब में जो है आपका माइनस 1 किया गया है, तो वही हम करेंगे। तो हमें निकालना कितना था अंकल का यू एन सी एल ई, चलिए तो यू का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, अंकल का हमें निकालना था ना यू एस टी यू, यू का मतलब 21 होता है, कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझने में आए, यहाँ पर 21 होता है, यहाँ पर एन का मतलब आपका 14 होता है, सी का मतलब आपका 3 होता है, एल का मतलब आपका 12 होता है, ई का मतलब 5 होता है, तो 21 में से एक घटाएंगे तो मतलब 20, 20 का मतलब क्या आता है 20 आएगा, तो 20 का मतलब क्या टी, तो इसका टी हो जाएगा, एन एन 13 घटाएंगे एक तो एम आ जाएगा,
सी मतलब तीन और एक घटाएंगे तो बी, समझ गए। एल का मतलब आ रहा है 11 करेंगे तो एच आई जे हो जाएगा, जे के एल तो यहाँ पर के हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई है, ई में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि टी एम बी के डी, टी एम बी के डी क्या होगा आंसर बताएं मुझे। ऑप्शन नंबर वन देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा होगा टी एम बी के डी, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वन हो जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न, ये प्रश्न क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बताएं मुझे। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, सब में क्या किया गया है, माइनस वन किया गया है, इसमें भी माइनस वन किया गया है, तो आपका आंसर आ गया है, समझ गए। ये प्रश्न क्लियर हुआ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच जो है क्या बोल रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँच बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को जो है टी सी ई जे बी ओ लिखा जाता है, उसी प्रकार पोल को जो है ई एल ओ पी लिखा जाता है, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा, उसी तरह का प्रश्न आ गया। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया, ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट को क्या लिखा गया, टी सी और यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिर यहाँ पर ई और यहाँ पर जे और यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ, समझ गए यहाँ पर। और उसी तरह क्या लिखा गया, पी ओ एल ई को, पोल को क्या लिखा गया है, ई एल ओ पी। तो यहाँ पर देखिए ये एक अलग तरह का प्रश्न है, समझ गए। इसको करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ किया क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका नंबरिंग वाले सिस्टम, इसको बनाने के दो तरीका है, एक तो आपका क्रॉस करके यानी कि इस तरह से करके आप कर सकते हैं, एक ये करके, जैसे कि रुकिए एग्जाम्पल है मैं आपको बता ही देता हूँ यही प्रश्न को। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले ऑब्जेक्ट था ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो टी को जो है यहाँ पर लाया गया है, सी को यहाँ पर लाया गया है, ई को यहाँ पर लाया गया है, जे को यहाँ पर किया गया है, बी को यहाँ पर किया गया है और ओ को यहाँ पर किया गया है। उसी तरह पी ई को यहाँ पर, एल को यहाँ पर, ओ को यहाँ को, पी को यहाँ पर, समझ गए। यानी कि दो दो क्रॉस किया गया है, तीन तीन क्रॉस किया गया है, तो हमें इस तरह का लेंदी हो जाएगा। बच्चे जो है इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, तो हमें करना क्या है, ये देखिए मैं आपको बता दूँ क्या करना है, मैं इसे पहले हटा दूँ। अब देखिए इसको करना क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको नंबरिंग दे देना है, एक दो तीन तीन चार और यहाँ पर पाँच और छः, ये नंबरिंग हो गया। अब इसको दे दीजिए एक, दे दीजिए यहाँ पर एक दो तीन और यहाँ पर चार हो गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर ई है, ई का मतलब चार, एल का मतलब आपका तीन, यहाँ पर ओ दो, यहाँ पर देखिए उल्टा किया गया है ना, तो उसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, छः किया गया है, फिर यहाँ पर आपका पाँच किया गया है, फिर यहाँ पर चार किया गया है, फिर आपको यहाँ पर तीन किया गया है, फिर यहाँ पर दो किया है, मतलब अपोजिट चला गया, समझ गए। ऊपर वाले जो क्रम था उसको इधर से चल दिया गया है, ऐसे था क्रम तो नीचे ऐसे चला गया है, समझ गए, ऐसे वही बात है। तो चलिए इसको यहाँ पर नंबर का लिखना है, ए न्यू एम यहाँ पर बी ई आर, नंबर को लिखना है तो हम पहले नंबर लिख देते हैं, एक दो तीन चार यहाँ पर पाँच छः, तो हमें लिखना क्या है भाई, इसको लिखना है छः पाँच चार तीन दो एक। अब इसको लिख दीजिए, छः की जगह क्या है हमारा आर है, पाँच की जगह हमारा ई है, चार की जगह क्या है हमारा बी है, तीन की जगह क्या है एम है, दो की जगह क्या है यू है, एन की जगह क्या है वन, एन मतलब वन की जगह क्या है एन है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा ना आंसर, समझ में आया क्या कि मैं क्या मैंने किया। पहले देखिए इधर से था नंबरिंग किया, और लेकिन ये इधर से गया था और अब क्या हो गया, इधर से आ गया, समझ गया, अपोजिट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर ई बी एम, देखिए आर ई बी एम यू एन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखिए मिला, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको मिल रहा होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर ये पाँच, इस तरह का प्रश्न था। अब हम क्वेश्चन नंबर छः की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर छः क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर छः जो है आपका बोल रहा है कि किसी विशेष भाषा में चारकोल को जो है इतना लिखा जाता है और मॉडल को जो है ये लिखा जाता है, उसी भाषा में एल्कोहल को क्या लिखा जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल बताइए। तो यहाँ पर देखिए सी एच ए आर सी ओ ए एल, इसको क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है मैं वो लिख दूँ आपको एरो देकर ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखिए चार पाँच एक छः, फिर यहाँ पर है चार नौ एक और तीन, ये लिखा गया। उसी तरह जो है आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है, मॉडल को एम ओ आर ए एल ई, मॉडल को लिखा गया है क्या, देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, इस तरह मैं करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देकर इसको एल्कोहल जो है इसी को पकड़ता, एलोचर है उसी को हम पकड़ते, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए मॉडल को क्या लिखा गया है, दो नौ छः, फिर यहाँ पर एक तीन और यहाँ पर सात। अब हमें ढूंढना किसका है भाई, तो ढूंढना है हमें एलोचर का, ए एल ओ सी एच ई आर, समझ गए। अब यहाँ पर आपको ऊपर देखना है कि ये सेंटेंस कहाँ कहाँ दिया गया है,
ए देखिए यहाँ पर ऊपर क्या दिया गया, ए के जगह पर देखिए तो कहाँ कहाँ ए है, यहाँ भी ए है, दोनों में चेक करना पड़ता है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, और भी कहीं दिया है तो यहाँ भी ए है। देखिए तीन जगह ए है और तीनों जगह वैल्यू कितना है भाई, तीनों जगह वैल्यू कितना है, वन है ना, तो इसका वन हो जाएगा। अब यहाँ पर एल है, डबल एल है, दोनों का एल है, एल को ढूंढिए कहाँ पर है, देखिए ऊपर एल यहाँ पर कहीं मिल रहा है क्या, एल यहाँ पर एक मिला, तीन दिया हुआ, और कहीं पर यहाँ भी तीन दिया है, यानी कि दोनों जगह क्या हो जाएगा, तीन यहाँ भी हो जाएगा, तीन यहाँ भी हो जाएगा। ओ को ढूंढिए, ओ ऊपर दिया है, ओ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर है नौ, और कहीं पर दिया है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी, लेकिन नौ है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है, ओ का जगह नौ हो जाएगा। फिर यहाँ पर सी है, सी का वैल्यू यहाँ पर चार हो जाएगा, देखिए सी यहाँ पर चार दिया है ना, यहाँ भी चार दिया है, समझ गए। एच की बात कर ले तो एच जगह के जगह पाँच दिया है, तो यहाँ पर पाँच हो जाएगा। आर की बात कर ले तो छः दिया है, ई की बात कर ले तो ई यहाँ पर सात दिया है, यानी कि आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक तीन तीन, फिर यहाँ पर नौ चार पाँच छः सात, ये हो जाएगा आंसर। देखिए मिलाइए तो 13 39, फिर यहाँ पर है 45 67, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, समझ में आ गया। एक ही अलग तरह का प्रश्न था, हम एक एक करके जो है सभी प्रश्नों को करेंगे, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, और बेहतर तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अलग तरह का प्रश्न है, ए का मतलब 2, एम का मतलब 26 और जेड का मतलब 52, तो कैब का वर्णों का योग बताइए। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब क्या किया गया है, यहाँ पर 2 कर दिया गया है, एम का मतलब क्या किया गया है, यहाँ पर 26 कर दिया गया है, एक मिनट वेट सॉरी, यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न मिला, यहाँ पर ए की जगह 2 कर दिया गया है, एम के जगह 26 कर दिया गया है, और यहाँ पर जेड के जगह जो है आपका 52 कर दिया गया है। तो यहाँ पर किया क्या गया है समझिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ए का वैल्यू जो होता है कितना होता है, मान एक होता है, एम का मतलब कितना होता है 13 होता है, जेड का मतलब कितना होता है 26 होता है। तो अब ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो यहाँ किया क्या गया, 13 का दुगुना कर दिया गया, 13 का दुगुना किया तो 52 आ गया, 26 का दुगुना किया तो 52 आ गया, 13 का दुगुना किया तो 26 आ गया, 1 का दुगुना किया तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि सब में 2 गुना कर दिया गया है, जितना अंक था ना उसको 2 से गुना कर दिया गया है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे सी ए बी को करेंगे, सी का मतलब कितना होता है 3, ए का मतलब कितना है 1 होता है, बी का मतलब आपका 2 होता है, तो यहाँ पर सब में 2 से गुना करेंगे, सब में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वर्णों का योग बोला है ना, तो 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 4, तो इसको जोड़िए कितना आ गया, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए तो यही ना आ गया 6 × 2 = 4, यही इसका आंसर हो जाएगा ना जी। 7 का आंसर ऑप्शन आपका सॉरी नहीं नहीं जोड़ना नहीं है, ये नहीं होगा, 6 + 2 = 8 + 8 = 4 = 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, सही है, यही आंसर हो जाएगा, जोड़ना जोड़ने के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 12। समझ में आ गया, कुछ किया नहीं हुआ है यहाँ पर, केवल जो है जो अंक था ना उसको दुगुना कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, और इस तरह के प्रश्न हमने जो है पिछले वाले चैप्टर जब मैंने कराया है 7-8 तक चैप्टर कराया है, तो वहाँ पर मैंने कराया है, आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो आप समझ जाइएगा, दोबारा मैं करा रहा हूँ, इसके बाद आपको दिक्कत होगी तो फिर आप ही को समझ में आना पड़ेगा, समझ गए। देखिए किसी संकेतिक भाषा में जो है पैट जो सीम का अर्थ होता है इट गुड मैंगोज, समझ गए, और पुश सीम टीम का अर्थ होता है मैंगोज एंड स्वीट्स, और टीम जू किड्स का अर्थ होता है परचेज गुड्स स्वीट्स। तो इस भाषा ए में गुड्स के लिए कौन सा संकेतिक कोड होगा, देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ना आपको इतना प्रश्न पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिसे आप आसानी पूर्वक कर लीजिएगा। तो पहले जो है देखिए क्या क्या बोला गया उसको लिख लीजिए और उसके बाद आसानी से कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहले क्या बोला था PAT यानी कि पैट जू, देखिए पैट जू सिम इसका अर्थ क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है इट, एक मैं बताऊँगा फिर आपको समझ में आ जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इट गुड और यहाँ पर बोला गया है मैंगोज, समझिएगा ये मैंगोज पहला हो गया। दूसरा समझते हैं क्या बोला गया है पुश और यहाँ पर बोला गया है सिम और यहाँ पर टीम, एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ बोला क्या गया है टीम बोला गया है, इसका अर्थ क्या बोला गया है, इसका बोला गया है मैनोज, यहाँ पर मैनोज बोला है, मनोजेस एस मैंगोज होगा यहाँ पर, लेकिन गलती लिखा गया है कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखिए ये हो गया स्वीट्स, समझ गए। अगला क्या बोला है यहाँ पर कि टीम, यहाँ पर टीम जू और यहाँ पर किट, इसका अर्थ क्या बताया गया है, बोला गया है परचेस गुड्स स्वीट्स। अब ये आपका हो गया, मैंने ये तीनों लिख दिया, अब यहाँ पर जो गेम होगा वो समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपको पहले लिख लेना है,
समझ गए। और जब आप प्रैक्टिस इसे कर लीजिएगा ना, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर जो है ना क्वेश्चन देख के लगा दीजिएगा, समझ रहे हैं। मेरी मैम तो चाहेंगे तो अभी के अभी टिक लगा देंगे क्या आंसर होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, तीन समीकरण दिया है, एक नंबर, दो नंबर और ये तीन दिया हुआ है। अब आपको जो है यहाँ बोला क्या है, तो इस भाषा में गुड, अब यहाँ गुड के लिए कौन सा संकेतिक कोड होगा, तो अब इसमें देखिए आप कि गुड कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड जो है, यहाँ पर गुड बोला है, एक जगह गुड से ध्यानपूर्वक देखिएगा, गुड जो है यहाँ पर है और लिख भी दिया है कि इस भाषा में ए में गुड से, यानी कि ए में गुड है। तो इसका कन्फर्म जहाँ पर ये मिल गया ना गुड, अब इतना कन्फर्म हो गया कि आंसर जो होगा ना इसी में से, ये तीनों में से कोई एक होगा। अब ये कन्फर्म हो गया, अब ये कन्फर्म हो गया कि पैट नहीं तो जू नहीं तो सिम, ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा, समझ गए, पैट जूम सिम। तो अब देखिएगा इलिमिनेट कीजिएगा ना, तो इलिमिनेट आपका इसी तरह हो जाएगा, ये देखिए टीम आपका इलिमिनेट हो गया। फिर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर पुश है, तो पुश भी आपका इलिमिनेट हो गया, ये दो बचा आपका सिम और जू, इसी में से कोई आंसर है, समझ गए। वो कैसे निकालिएगा, तो अब देखिएगा ये तीनों समीकरण में, ये जो तीन समीकरण है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, हमें इतना कंफर्म चल गया कि ये तीनों में से कोई एक आंसर है, हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर पैट है, देखिए तो और कहीं पर पैट दिख रहा है, तो यहाँ पर पैट नहीं दिख रहा है, समझ गए, पैट यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर गलती लिखा हमको लग रहा है कि पैट की जगह यहाँ पर ना पुश होता है, यहाँ पर देखिए, समझ रहे हैं, यहाँ पर पैट और पुश लिख दिया है, तो यहाँ भी हमको लगता है कि गलती क्वेश्चन टाइपिंग है, यहाँ पर पुश जो लिखा ना पुश टीम टीम, समझ गए, तो टीम जू, तो यहाँ पर पुश होगा, यहाँ पर पैट की जगह पुश कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी पैट कर लीजिए तो वो ठीक है, कोई भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं गलती टाइपिंग है। तो पैट मिल गया, यानी पैट और यहाँ भी पैट, तो ये कट गया, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर जू है, देख रहे हैं नीचे कहीं जू दिया हुआ है, यहाँ भी जू दिया हुआ है ना, यहाँ भी जू है, समझ गए, तो ये भी आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, समझ गए। अब यहाँ पर सिम की बात कर रहा है, तो सिम यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ भी आपका सिम दिया हुआ है, समझ गए, यहाँ भी आपका सिम दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ समीकरण में जो है गलती टाइपिंग दिया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पर गुड्स के लिए बोला है क्या होगा, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, जहाँ तक मेरा समीकरण है कि यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह का आंसर नहीं आता है इसका। यहाँ पर मैं बता दूँ कि देखिए क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पर कितना बच्चा बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर जू होगा, लेकिन जू कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ पर बोला है इट गुड मैंगो, तो यहाँ पर देखिए सीम यहाँ भी है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसका बनाने का तरीका, सीम यहाँ पर भी है और सीम जो है यहाँ पर भी है, तो कट गया, जू यहाँ पर भी है, यहाँ भी कट गया, यानी कि इसका आंसर जो होगा पैट होना चाहिए, तो यहाँ पर पैट तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, समझ गए, पैट तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ क्या आंसर होगा, इसका आंसर देखिए थोड़ा रॉन्ग है, आप सभी लोग इसको मुझे बताइए कमेंट करके क्या है, मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे, इसका आंसर मेरे तरफ से जो है पैट होगा, PAT होगा, बाकी आपके ये बुक में क्या दिया है मैंने देखा नहीं है, तो आप सभी लोग इस बार देखिए कमेंट कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है, ये क्वेश्चन ही मुझे लिखा हुआ रॉन्ग लग रहा है या कुछ गलत है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उसी तरह का प्रश्न आ गया, 9 नंबर प्रश्न आ गया, किसी संकेत भाषा में जो है 678 को जो है हाउ आर यू लिखते हैं, यानी कि देखिए, और फिर 347 को हाउ इज लाइफ, और 569 को जो है यू वी आर वंडरफुल। पहले लिख लीजिए 6, 7 और यहाँ पर 8, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हाउ आर यू। दूसरा आपका क्या है, 347 को जो है क्या लिख रहे हैं कि हाउ इज लाइफ। फिर अगला यहाँ पर क्या है, 569 को क्या लिखिएगा कि यू वेयर, फिर यहाँ पर क्या है वंडरफुल, ये हो गया ना, ये दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि यू के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, समझ गए, यू के लिए बोला गया ना, तो यू कहाँ कहाँ है, देखिए यू यहाँ पर है और कहीं पर नहीं ना है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू दिख रहा है, दो जगह यू दिख गया, समझ गए, यू जो है दो जगह दिख गया, एक और तीन में यू दिख गया, तो दोनों शब्द यू तथा दोनों का समीकरण के अंतर्गत हम अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब हमें जो है दो जगह मिल गया ना, तो अभी हमें इसको और इसको में से देखना पड़ेगा, समझ गए, इसमें और इसमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ कटने वाला कौन है, या कॉमन कौन है, कॉमन यहाँ पर कौन मिल रहा है, कॉमन यहाँ पर 6 मिल रहा है और यहाँ भी आपका 6 मिल रहा है, समझ गए, कॉमन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, क्योंकि और सब तो नहीं मिल रहा है ना, और सब तो नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। और मुझे लग रहा है कि पहला वाला प्रश्न भी जो इसी तरह का था, समझ गए, क्योंकि अगर एक मिलता तो ठीक है, यहाँ पर इसका तो आंसर ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला प्रश्न को फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं गलती हम लोग कर रहे थे वो देखते हैं, कहाँ गलती कर रहा था मैं, या आप सभी लोग मुझे बताएं कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। तो पहले हम इसको एक बार हटा देते हैं, पूरा हट जाएगा ना, रुकिए एक मिनट,
ऐसे नहीं होगा। चलिए मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ पर गुड की बात कर रहा है ना, तो लेकिन गुड जो है आपका एक ही जगह दिया हुआ है, गुड जो है केवल इसमें दिया है, तो इसका आंसर देखिए गुड इतना दिया है ना, तो एक दिया है तो एक ही आंसर होगा, ये तो कन्फर्म है। बाकी आपका गुड्स दिया है नीचे, समझ गए, गुड्स भी दिया है तो इसका आंसर पैट ही होगा। नहीं ये सही है, इसका आंसर पैट होगा, मैं कन्फर्म हूँ, इसका आंसर पैट ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसको देखिएगा और जरूर अगर गलती हो कमेंट कीजिएगा, ओके कोई बात नहीं है, फिर अगले वाले क्लास में मैं आपको कन्फर्म करवा दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे गलती लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 8 नंबर, ओके 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये पहले मैंने लिखा यहाँ पर गुड की बात बोला, तो यहाँ पर देखिए गुड यहाँ भी है, यू की बात बोला ना, यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि दोनों समीकरण, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 इसी में से आपका आंसर होगा। तो 6 7 यहाँ पर 8 दिया था, यहाँ पर 5 6 7, 5 6 9 दिया था, तो इसमें कॉमन देख लिए क्या है 6 6, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर कटने वाला होता तो काट के भी निकाल देते, लेकिन कटने वाला तो था नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न जो है एक तरह का मतलब इजी वाला है, अगर यहाँ पर प्रश्न का पढ़िएगा समझ लीजिएगा तो आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले पढ़िएगा, आसमान को जल कहा जा रहा है, 1 मिनट कलर में चेंज कर लूँ, आसमान को जल कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको आसमान को जल कहा जाए और जल को जो है हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, पहले पढ़ लीजिएगा कोई नहीं, और हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, और बादल को पीला कहा जाए, और पीला को जमीन कहा जाए, तो मगरमच्छ जो है कहाँ रहेगा। अब यहाँ पर बोला क्या है, मगरमच्छ की बात बोल रहा है, तो मगरमच्छ जो होता है जल में रहता है, समझ गए, मगरमच्छ कहाँ रहता है जल में। अब जल के लिए क्या बोला गया है, देखिए जल को हरा कहा जाए, समझ गए, तो जल के लिए क्या बोला गया है, जल के लिए हरा बोला गया है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, इसको कुछ करना नहीं था, दम इजी प्रश्न था, समझ गए, इसको तो आप नीचे से देखकर ही आंसर कर लेते। सबसे इसको बनाने का तरीका क्या है कि कुछ मत पढ़िए, नीचे आइए और देखिए कि नीचे क्या बोल रहा है। तो बोला कि तो मगरमच्छ के लिए क्या कहा, मगरमच्छ कहाँ रहेगा, तो मगरमच्छ भाई जल में रहता है, जल के लिए क्या बोला गया है, हरा बोला गया है, तो इसका आंसर हरा हो जाएगा। मतलब जिस शब्द का उपयोग होगा ना, जैसे अगर बोला कि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो आकाश में, आकाश के लिए क्या बोला गया है, वही आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा कि आकाश है, जैसे यहाँ पर जल आया था कि मगरमच्छ कहाँ रहता है जल में, लेकिन जल आंसर नहीं हुआ है, जल के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है, तो जल के लिए यहाँ पर हरा शब्द का उपयोग किया गया है, देखिए यहाँ पर हरा शब्द का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा ही हो जाएगा। क्लियर ये प्रश्न, चलिए एक दो प्रश्न और होगा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी। 11वां प्रश्न देखिए, तो अब इसको करने की ज़रूरत है, हम सीधे नीचे चलते हैं ना, तो कपड़ा धोने, यहाँ देखिए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, कपड़ा धोने के लिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर देखिए साबुन को क्या बोला जा रहा है, साबुन को यहाँ पर स्याही कहा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साबुन को स्याही कहा जा रहा है, तो यहाँ पर स्याही कहीं पर दिख रहा है क्या आंसर, यहाँ पर देखिए गलती लग रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आंसर ही नहीं दिया हुआ है, साबुन को स्याही कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए स्याही को मधु कहा जा रहा है और मधु को नडांगी कहा जा रहा है, इसका आंसर जो होगा ना आपका ये साबुन को स्याही, यानी कि ये हरा मिटाइए इसको स्याही लिखिए, स्याही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर भाई, क्वेश्चन इसका आंसर डी हो जाना चाहिए, देखिए समझ गए, पहले हम फिर से इसको देख लेते हैं, अब इसको समझिएगा, यदि नडांगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को जो है साबुन कहा जाए, और साबुन को जो है स्याही कहा जाए, और स्याही को मधु कहा जाए, और मधु को नडांगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, साबुन का ना, तो साबुन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं साबुन के लिए क्या बोला जा रहा है, साबुन के लिए यहाँ पर स्याही बोला जा रहा है ना, स्याही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना, स्याही, समझ गए, इसका टाइपिंग गलती है, बुरा नहीं मानिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन कहीं भी हम लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को जो है वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेगा, फल आपके पेड़ पर लगता है यानी वृक्ष पर लगता है, तो यहाँ पर देखिए वृक्ष के लिए क्या बोला गया है, वृक्ष के लिए यहाँ पर आसमान बोला गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आसमान ही हो जाएगा, समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, आसमान बी, समझ गए, यहाँ पर बोला है ना कि देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो फल किस पर लगेगा, फल तो भाई वृक्ष पर लगता है, और यहाँ पर वृक्ष के लिए क्या बोला गया, ये देखिए आपको हम बात कर ले कि यहाँ पर जो आपका वृक्ष है, ये वृक्ष के लिए क्या बोला गया है, वृक्ष के लिए जो है आसमान बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसमान, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, आसमान, समझ में आ गया, आसमान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 2 क्वेश्चन और है, 13 14 15 देख लीजिए। 13वां प्रश्न, यदि जो है यहाँ देखिए परफेक्शन को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो इम्पोस्टर को क्या लिखा जाएगा, तो ये तो और इजी प्रश्न है, इसको पहले कीजिए, क्या बोला गया देख लीजिए 13 का, यहाँ पर देखिए PER
एक मिनट सही से बताऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। PER, फिर यहाँ पर है FE, प्रीफ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर E लिखा गया है, फिर यहाँ पर F लिखा गया है, फिर यहाँ पर R लिखा गया है, देखिएगा, और फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है, E लिखा गया है, फिर यहाँ पर आपको P लिखा गया है, C के जगह क्या लिखा गया है, P के बाद N, T के जगह N, N के बाद यहाँ पर O, फिर यहाँ पर I, और यहाँ पर आपका T, और यहाँ पर आपका C। देखिए तो यहाँ पर कैसे किया गया है वो समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं पर आपको कॉमन दिख रहा है क्या बीच में, कहीं पर आपको कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है, कैसे वो देखिएगा, पहले हम नंबरिंग लिख देते हैं उसी तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 दिया हुआ है। अब ई के जगह ई कहाँ पर, देखिए ई दो नंबर पर है, और भी ई है क्या, देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ये तरीका लगेगा क्या, ये तरीका लगेगा क्या, देखिए तो नहीं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया कि ई कौन है, ये कौन, ई जो है कहाँ पर है ये पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूज़न हो आ गया ना। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो है इसको तोड़ देना है। देखिए दूसरा तरीका, ये तरीका नहीं लगेगा, चलिए इसको हटाइए, ये तरीका नहीं लगेगा, तो अब दूसरा तरीका के ऊपर हम बात करेंगे। इसका दूसरा तरीका यह है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कितना भाग में है देख लीजिए, पहले यहाँ पर 10 है तो 10 का है तो 5-5 में भागिए, यहाँ पर देखिए कि ये भी तरीका होता है, 5-5 में भागे, तो यह देखिए ई के जगह ये, एफ के जगह एफ, आर का आर ही है, समझ गए, ई के जगह ई और यहाँ पर आर के जगह, यानी कि इस तरह का क्रॉस है, सी के जगह ये हो गया, टी के जगह ये हो गया, ओ के जगह ये, एन के जगह ये, और यहाँ पर टी टी आई के जगह आई हो गया। उसी तरह जो है हमें क्या लिखना है, इम्पॉसिबल, इम्पोस्टर, सॉरी इम्पोस्टर का लिखना है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है, 8 को है तो 4-4 में भाग दीजिए, 4-4 में बांट दिए, 4-4 में बांटिए, तो यहाँ पर ओ के जगह ओ आ जाएगा, यहाँ पर समझ गए, पी यहाँ पर आ जाएगा, M के जगह M रहेगा, I के जगह I आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आपका R आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका E आ जाएगा, T के जगह जो है आपका T रहेगा, फिर यहाँ पर S आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या, O P M I, देखिए तो M I, फिर यहाँ पर R, M I के बाद क्या है, R E T S, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए तो मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो गया। तेरा का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, इसी तरह का बनाना था, ये भी एक अलग तरह का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो वही प्रश्न आ गया आपका जो एल्चोर, वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था, चारकोल और ये वाला, तो कुछ करना नहीं, यहाँ पर किसका लिखना है, ALLOCH और यहाँ पर RE, ये प्रश्न मैंने अभी ऊपर जस्ट कराया है ना, रिपीट क्वेश्चन हो गया। देखिए तो ए के जगह देखिए ए कहाँ पर है, यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, चलिए समझा ही देता हूँ एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा, तो बोलिए कि सर समझा नहीं, चलिए एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए जिसका प्रयोग किया गया है उसको देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, CHARCOAL, फिर यहाँ पर क्या है, मोरल, MORALE, ये मोरल है। अब यहाँ नंबरिंग दे दिए, नंबरिंग क्या दिया है, 4, 5, 1, 6, फिर यहाँ पर है 4, 9 और यहाँ पर 1, 3, फिर M की बात कर ले तो M के जगह 9, 2 और यहाँ पर आपका 6, 1, 3, 7, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें लिखना किस चीज़ का है, लिखना हमें है ALLOCHERE, इसका लिखना है एलोचर का। तो A का मतलब क्या है, A का मतलब 1, तो 1 सबका कॉमन था, LL है तो L के जगह देखिए कहाँ पर है, L का जगह यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखिए, O का जगह क्या है, O के जगह यहाँ पर 9 है तो 9 लिखिए, C का मतलब क्या है, 4 है तो 4 लिखिए, H का मतलब क्या है, 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए, R का मतलब क्या है, 6 है तो 6 लिखिए, E का मतलब क्या है, E यहाँ पर है 7 तो यहाँ पर 7 लिखिए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 3, 9, 4, 5, 6, 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ मिल रहा है, 133, फिर यहाँ पर है 94,567, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1, समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए वही प्रश्न आ गया, लास्ट वाला प्रश्न देख लीजिएगा, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ जो है अगर आपको चैनल पर वीडियो पसंद अच्छा लगता है, और आप सभी लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर चैप्टर के साथ। अंतिम प्रश्न इसे कर लेते हैं, यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए, समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए, ग्रह को जो है उपग्रह कहा जाए, और उपग्रह को जो है मंदाकिनी कहा जाए, और मंदाकिनी को जो है धूमकेतु कहा जाए, तो पृथ्वी का कौन सा वर्ग में अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा पूछा क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह है ना,
पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो ग्रह के लिए क्या बोला गया है, देखिए तो ग्रह को जो है क्या उपग्रह बोला जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह ना, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी के लिए क्या बोला गया है, पृथ्वी के लिए ग्रह बोला, पृथ्वी हमारा क्या है ग्रह है, और ग्रह को क्या बोला गया है यहाँ पर, उपग्रह बोला गया है, उपग्रह ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ में आ गया, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और आप सभी लोग मुझे बताइए कि ये 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और बताया है, तो आप सभी लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके।